गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट टू करेंगे इस चैप्टर का। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था रजत यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। तो ये पूरी स्टोरी जो थी रजत के ऊपर थी, वो बहुत दिनों बाद स्कूल जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जसकृत। देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस These days, but I did not get malaria. जसकृत बोलती है कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे मॉस्किटोज हैं लेकिन मुझे मलेरिया नहीं होता। नैन्सी बोलती है Who says that every mosquito bite causes malaria? किसने कहा सारे मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज। और जो मलेरिया होता है वो तभी होता है जब जो मॉस्किटो उसके जर्म्स को स्प्रेड करे। आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक लाइक द सेम टू मी। आरती कहती है कि सारे मॉस्किटोज मुझे एक जैसे लगते हैं। रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। रजत कहता है नहीं, वहाँ कुछ मॉस्किटोज में भी डिफरेंसेस होते हैं। नैन्सी, डिड दे टेक ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू। नैन्सी ने कहा क्या उन्होंने ब्लड वहाँ से निकाला जहाँ मॉस्किटो ने बाइट किया था। रजत, ऑफ कोर्स नॉट। रजत बोलता है नहीं। हाउ डू आई नो वेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मॉस्किटो ने मैंने कब और कहाँ काटा था। तो ऐसा तो नहीं होता है कि जहाँ उसने मॉस्किटो ने काटा हो वहीं से ब्लड निकालते हैं। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट। तो फिर वो कैसे पता चला उनको कि तुम्हें मलेरिया है। डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड। और उन तुम्हें लगता है कि उन्होंने कुछ ब्लड के अंदर देखा होगा। देखिए, ब्लड टेस्ट ये फिंगर लेकर फिंगर को पहले निडल से प्रिक किया जाता है, उसके बाद ये स्लाइड बनाई जाती है। ये कांच का जो दिख रहा है ना, ये स्लाइड रखी हुई है और उससे ब्लड टेस्ट होता है। फिर उसको मॉस्किटो माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा जाता है। और जो पर्टिकुलर मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेड करता है उसका नाम है एनाफिलस। जो एनाफिलस मॉस्किटो रहता है उसी से मॉस्किटो उसके काटने से ही मलेरिया स्प्रेड होता है। तो आप लोग याद रखिए और या तो अंडरलाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर वर्ड पे, एनाफिलस मॉस्किटो। तो दीज आर सम क्वेश्चंस ओवर हियर। तो ये हम ये आप फाइंड आउट करके रखिए, ये पूरे इसी में से हैं। आप रफ पेज में इसको मुझे दिखाएंगे फाइंड आउट करके, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे। थैंक यू।